हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। आईटी में जो इंट्राडे गेन जनरेट हुए थे 1000 पॉइंट के, उसने आई थिंक थोड़ा सा इंपैक्ट डाला है, क्योंकि निफ्टी आईटी हायर लेवल से लगभग 350 पॉइंट रिट्रेस हुआ और वो इंपैक्ट निफ्टी में विजिबल है। निफ्टी बैंक अभी भी आई थिंक उस अपनी रेस्ट्रिक्टेड बहुत थिन ऑप्शन ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं आज के बीटीएसटी ट्रेड्स पर, यानी जो हम कल मॉर्निंग के लिए कैरी करेंगे। प्रकाश सर, क्या कैरी कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? डिफिकल्ट डे है, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट डे। मुझे पसंद है इस वक्त, वो है इन्फो एज, ट्रेड करा 7622। आई थिंक स्टॉप लगाना चाहिए 7590 का, ज्यादा नहीं, 30 रुपए का है टारगेट, करीब 7700। इन्फो एज में एक मौका 7700 के लिए। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, जिस स्टॉक में ऑप्शन रिकमेंड किया था वही स्टॉक में बीटीएसटी कॉल रहेगा, तो ग्रेनुल्स के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप ग्रेनुल्स के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। 706 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, 694 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 725 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया जो पहले भी मेंशन किया हुआ है, उसी में एक मौका आप तेजी का लेकर चले। यहाँ पर अच्छी पकड़ मजबूती की बन चुकी है, 5% ऊपर वो काउंटर। रचना जी, आपका अगला ट्रेड, या आपका, आई बेग योर पार्डन, अमित आपका ट्रेड क्या रहेगा बीटीएसटी वाला? हर्षता, मैं एचडीएफसी लाइफ लेके जाऊंगा। ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी भी है, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है इसका, मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी वेल प्लेस्ड है। आज थोड़ा सा रेस्ट डे था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव। 735 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 752 के टारगेट्स रहेंगे एचडीएफसी लाइफ। ओके, चंदन आपका ट्रेड? मैं जाऊंगा यहाँ पे वोल्टास की तरफ। वोल्टास में एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप कंटिन्यूअसली एक्सटेंडेड हो रहा है लगातार, पिछले 8 दिनों से हैड टॉप्स आया, वो टर्म फॉर्मेशन बन रहा है और विनिंग स्ट्रीक को एक्सटेंड कर रहा है। जिस हिसाब से अपने आप को एक नए कीर्तिमान स्तर पे होल्ड कर रहे हैं, मोमेंटम मेंटेन करना चाहिए। वोल्टास पे खरीदारी की सलाह रही, सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 1740 के आसपास, ऊपर 1850 के टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल वोल्टास वाला ट्रेड इस समय बैठता हुआ, खरीदारी करके चले। वोल्टास में भी आज देखिए डे हाई पर ही कारोबार हो रहा है, 1775 के लेवल्स देखने को मिले हैं। लेकिन मार्केट में जो एक्शन रहा, आज ऑल टाइम हाई छुआ, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, बताइए यतिन, तेजी की तरफ ध्यान है या फिर कुछ मंदी भी दिख रही है? मंदी तो नहीं दिख रही है फिलहाल हर्षदा, और दो स्टॉक्स जो डीलर्स आज रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, उनमें सबसे पहले है IEX, और ये एक्सचेंज का स्टॉक 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डीलर्स के हिसाब से 208-210 का ट्रेडिंग लेवल एक दो दिनों में आ सकता है। स्टॉप लॉसेस के साथ डीलर्स ये ट्रेड अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं और सितंबर सीरीज में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा वोल्टास, ये भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, जहां डीलर्स 1800 का पोजिशनल टारगेट देख रहे हैं और यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी जारी है, तो दोनों ही वोल्टास और IEX आज डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं। ओके, तो ये फिलहाल वोल्टास, और वोल्टास का जिक्र अभी चंदन भी कर रहे थे, साथ ही साथ IEX। एक चीज़ है, IEX में आई थिंक लोग बस इंतज़ार कर रहे थे अपॉर्चुनिटी लेने का, बैंड से कब निकले बाहर और कब यहाँ पर पोजिशन बनती दिखाई दी। 203 के आसपास आज का ये जो क्लोज आ रहा है, गाबा